थोड़े से दिन से ब्रेकअप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगने लगा। और उसके बाद मैं सोचने लगा यार कि लड़की जिसके लिए मैंने अपना 2 साल बर्बाद किया, जिसके खाते मैंने अपना सब कुछ क्या नहीं किया मैंने अपने लिए, और वो मुझे वही छोड़ के चले गए। रीजन कि मैं सिर्फ गाना गाता हूँ, गजल लिखता हूँ, पोइट्री लिखता हूँ, इसलिए ये लगा क्या करेगा इंडिया करेगा ना नहीं, कुछ आगे करेगा नहीं, कुछ है नहीं, छोड़ो। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास तुम्हारा जो मेरा जो कुछ भी है, एक्चुअली मैंने बड़े शौक से खत लिया था, उस समय खत का जमाना नहीं था, फिर भी मैंने क्लब लेटर लिया था। और वो लव लेटर उसने कहा कि वापस कर दो जितने भी फोटोज सब कुछ वापस कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो उसी के लिए मैंने कुछ लिखा होता है, आप लोगों ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई यू कन्फर्म मैंने लिखा उसके बाद आंखों की चमक, जीने की लहर, होठों की रवानी वापस से, आंखों की चमक, जीने की लहर, होठों की रवानी वापस से, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तुम मेरी जवानी वापस से। वो दिन भी कैसे दिन थे जब चमकों पे खाब पिघलते थे, शाम उगले, सूरज डूबे, दिल के अंगारे जलते थे, वो शाम खाब हुई, यादों के चेहरे पीले हैं, कल पापों के फसले की जहां आप वहां रेत के बंजर किले हैं। बोलने में थोड़ा सा ये लग रहा है, कल पापों के फसले की जहां अब रेत के बंजर किले हैं, जिनका दरिया सूख गया, ला इनका पानी वापस दे, मैं तेरे घर लौटा दूंगा, तुम मेरी जवानी वापस दे। सर के कहने पे मैं एक बात बोल रहा हूँ, बस थोड़ा गौर से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, ये ऐसा गीत है शायद आप लोगों को समझ में आए। सर लोग जैसे सर काफी देर से गौर कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से कुछ इंटरटेन कर पाऊंगे। एक मिनट इतने सारे बादल हैं पर मेरे जैसा कोई नहीं, मैं किस तरह रोया हूं वो बादल भी ऐसा रोया नहीं। जाकर कोई कह दो उन बादलों से, जरा सोच समझ कर बरसे, अगर मुझे उनकी याद आ गई, अगर मुझे उनकी याद आ गई फिर मुकाबला बराबर का होगा।